तो हम पिछले 10 दिन से ये सुन रहे हैं कि कुछ सरप्राइज है, अब देखते हैं क्या सरप्राइज है। और हम सच धज के निकल चुके हैं अपने सरप्राइज के लिए। अम्मी अब्बू की आज एनिवर्सरी है, इस वजह से ही आज सरप्राइज मिलने वाला है हम लोगों को। और हम रेडी होकर निकले हैं अपने घर से। आओ बच्चों, आओ देखो, ये देखो, ये हम चले, आओ बच्चों पीछे आओ। और हम रेडी होकर निकले आए हैं, महिंद्रा शोरूम आए हैं एक्चुअली में हम। और मुझे नहीं पता था कि मतलब हमें ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा। यहाँ आने के बाद हम समझ चुके थे कि यहाँ हमें कोई ना कोई गाड़ी लेनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको समझो, महिंद्रा शोरूम हम जाएंगे ही क्यों, कोई गाड़ी लेनी है तभी जाएंगे। बहुत खुशी हो रही थी, और ये मैं व्लॉग बना तो रही थी, मतलब यूँ ही बना रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि भाई व्लॉग तो बना रही हूँ लेकिन हम गाड़ी कौन सी ले रहे हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद एक एक करके सब अंदर गए शोरूम के अंदर, और सोच रहे थे कि देखो अब देखते हैं क्या सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है। समझ तो सब कुछ आ ही चुकी थी जब तक, लेकिन सरप्राइज़ का अपना मज़ा है। ये मेरी पूरी फैमिली है, हमारी ताकत है, जो परिवार होता है वो ताकत होता है। परिवार हमारा माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। मेरे भाइयों ने बहुत मेहनत की है, मैं इस बात को लेकर अभी भी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपने स्ट्रगल याद आ रहे हैं, अपने भाइयों के स्ट्रगल याद कर रही हूँ। ये जो हम खुश हैं, खुश दिख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। एक इंसान स्ट्रगल करता है कम उम्र से, तो मेरे तीनों भाइयों ने स्ट्रगल किया है। बहुत कम उम्र में ही उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले ली और स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू कर दी। आज हम जिस मुकाम पे हैं वो उनकी मेहनत है, कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। खैर इस बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हमने केक कटिंग की, बहुत सारा इंजॉय किया वहाँ पर। हमने ये अपने गाड़ी पे से कपड़ा हटाया, मतलब ये सबसे अच्छा सीन था। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। उसके बाद अम्मी अब्बू ये भी बहुत प्राउड थे कि बहुत कम उम्र में मेरे भाइयों ने ये सब चीज़ें हासिल की है, कम उम्र में कामयाब हुए हो। लोगों की नज़रें लगती हैं, लोगों को लगता है हलवा था, यूं ही बना लिया और हो गया। नहीं, हलवा नहीं है, मेहनत है, बहुत मेहनत है, ये नहीं छोटी मोटी मेहनत नहीं। और अम्मी अब्बू की खासकर वेडिंग एनिवर्सरी थी तो और मज़ा आ रहा था, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई है बहुत सारी और बहुत इंजॉय किया वहाँ पर भी। मतलब होता है ना कि खुशी एक होती है तो अलग ही किस्म की खुशी थी, क्योंकि थार किसकी फेवरेट नहीं है। हाँ कोई झूठ बोल दे तो अलग चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 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 इंसान की फेवरेट है। ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरे भाई, मेरे चारों पिलर, ये सब, मतलब इमोशनल हो रही हूँ मैं शायद, लेकिन बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था ये। और अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए कि हमारे साथ ये खुशियाँ बनी रहे, हमारी फैमिली ऐसे ही अच्छे अच्छे से रहे, हम लोग ऐसे ही खुश रहें जैसे अभी हैं। कामयाबी ऐसे ही अल्लाह देता रहे, आप लोगों को भी कामयाबी दे। हमें जो सेठ जी ने अल्लाह का नाम लिया, कलमा पढ़ा और उसको गाड़ी को लेकर आगे बढ़े, हमने एक दूसरे को गले लगा के सबने सबको मुबारकबाद दी है, कि अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक और आगे कामयाबी देना, हमें बुरी नज़रों से बचाना, हमारी मुस्कान, हमारी हंसी ऐसे ही बनाए रखना, आमीन। और आप लोग भी दुआ करना, आप लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी खुशियाँ बनी रहे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना।